Macros. Now, what are macros? A program that we create within an Excel workbook using VBA, which is a coding language of Excel. तो basically macros क्या हुआ, ये हमने देखा था अपने first video में. जो भी हम code लिखते हैं, जो भी हम code बनाते हैं, उसको using VBA, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, macros बोलते हैं. Now, it is a programmable pattern which translates a certain sequence of inputs into a preset sequence of output. तो आपके एक particular set of inputs को वो एक particular set of output में change करते हैं using macros. यानी कि जो codes हम लिखते हैं अपने Excel में, उसको हम क्या बोल अपने VBA में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग macros बोलते हैं, जो एक sequence of input को एक sequence of output में change करते हैं. सो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे यू कैन जस्ट यू नो जस्ट राइटिंग फ्यू लाइंस कैसे आप एक इनपुट को आउटपुट में आप चेंज कर सकते हो इतनी इजीली, इतने एफिशिएंटली. अ मैक्रो इज़ एन एक्शन और अ सेट ऑफ एक्शंस दैट यू कैन रन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. व्हेन यू क्रिएट अ मैक्रो यू आर रिकॉर्डिंग योर माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स. तो यानी कि क्या होता है, दो तरीके से हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं. So when you record a macro, when you write a macro, basically ये एक आपके set of actions को copy करता है. ठीक है, तो आपने कुछ inputs दिया है अपने Excel में, अगर तो आप जो जो perform करोगे, आप जो जो अपने अब उस inputs के बाद, suppose आप लिखने के बाद, suppose आप अपना macro run कर रहे हो, suppose आप macro record कर रहे हो basically, तो आप जब अपना macro record कर रहे हो तो आप उसके बाद जब the moment you start recording your macro, उसके बाद आप जितने भी एक्शंस परफॉर्म करते हो अपने माउस क्लिक्स से लेके की स्ट्रोक्स से लेके जितना भी चीज़ आप परफॉर्म करते हो, जो भी चीज़ आप परफॉर्म करते हो वो मैक्रो में स्टोर हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, एंड फिर आप उसको बार बार कितने बार भी रन कर सकते हो उस मैक्रो को. सो बेसिकली क्या होता है, यू आर रिकॉर्डिंग योर माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स. इसका क्या मतलब है, ये और क्लियर होगा जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करेंगे. व्हेन यू रिकॉर्ड अ मैक्रो तो उस समय क्या होता है ना कि आपके हर एक आपका हर एक जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो अपने एक्सेल पे, अपने वीबी पे, जो भी एक्शन आप कर रहे हो वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा एंड उसको आप वो एक मैक्रो में स्टोर हो जाएगा. एंड उस मैक्रो को बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कोड्स जिसको आप कंटिन्यूसली फिर परफॉर्म कर सकते हो. मैक्रोज प्रोवाइड एन आइडियल वे टू सेव टाइम ऑन प्रिडिक्टेबल रिपीटेटिव टास्क एज वेल एज स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स मेनी टाइम्स विदाउट हैविंग टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. तो इससे क्या हुआ, आपने जब एक बार अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया तो अब उसको बार बार आपको रिकॉर्ड करने का ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको सेम चीज़ परफॉर्म करने का ज़रूरत नहीं है. रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं उसमें जब बहुत टाइम जाता है, ना ही सिर्फ टाइम जाता है, एफर्ट्स जाते हैं, आपका एरर होने का चांस भी होता है. बिकॉज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इट, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर हो सकता है, आप सेम चीज़ जो बार बार परफॉर्म कर रहे हो कभी ना कभी हो सकता है स्लाइट एरर कहीं पे आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट स्लाइट एरर. बट बाय क्रिएटिंग अ मैक्रो वो एरर आप मिनिमाइज़ कर सकते हो. कैसे, वो टाइम, वो एफर्ट आप मिनिमाइज़ कर सकते हो क्योंकि अब सेम चीज़, वो सेम टास्क आप एक सिंपल क्लिक ऑफ माउस से आप परफॉर्म कर सकते हो जब आपको परफॉर्म करना है. नाउ देर आर टू वेज एज आई वॉज सेइंग इन विच यू कैन रिकॉर्ड, विच यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस बेसिकली कैसे आप एक मैक्रो बना सकते हो. दो तरीका है, पहला तरीका है रिकॉर्ड अ मैक्रो एंड देन मॉडिफाई इट टू डू द टेलर मेड स्पेसिफिक नीड्स. यानी कि जो मैंने बोला, आप जैसे एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हो, जो आप मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हो उसके बाद से आपके सारे माउस क्लिक्स, आपके सारे की स्ट्रोक्स, आपने जो भी टाइप किए सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा एंड फिर आप उसको कंटिन्यूसली हर बार यूज़ कर सकते हो फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क. द सेकेंड वे इन विच यू कैन गिव अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इज टू राइट अ कोड ऑन योर ओन यूजिंग द VBA. तो विजुअल बेसिक एडिटर बेसिकली. तो दो चीज़ हुआ, एक तो आप मैक्रोज रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग अ मैक्रो. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि खाली आप मैक्रो रिकॉर्ड करना इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि आपको उसमें भी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं जिसके लिए आपको कोड लिखना मैंडेटरी हो जाता है. तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग विजुअल बेसिक एडिटर में अपने कोडिंग को लिखेंगे. सो दीज आर द टू वेज इन विच यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस, यू कैन क्रिएट कोडिंग इन योर एक्सेल by recording a macro, first of all, which is very simple, वो हम लोग देखेंगे कैसे, and secondly, to write a code in the Visual Basic Editor. So, what was macros? Macros is a program that we create within an Excel workbook using the VBA, which you can run, which you can perform continuously as many times as you
want to. ये हुआ हमारा डिस्क्रिप्शन ऑन वॉट इज मैक्रोज. मैक्रोज इज नथिंग बट द कोडिंग द प्रोग्राम विच यू हैव क्रिएटेड यूजिंग द VBA. दो तरीका है, या तो आप एक मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर सिंपली आप कोडिंग लिख सकते हो अपने विजुअल बेसिक एडिटर पे. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेवलपर टैब. एज यू ऑल कैन सी, दिस इज माई बेसिक एक्सेल जो हमने किया है एक्सेल क्लासेस में. यहाँ पे हमने अपने कैलकुलेशंस परफॉर्म किए थे. ये दीज वर द मेन 7 टैब्स विच वी हैड. अब यहाँ पे कहीं भी आपको मैक्रो का VBA का ऑप्शन नहीं मिलेगा इन पर्टिकुलर 7 टैब्स में. एक और नया टैब होता है विच इज़ द डेवलपर टैब जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं. उस टैब के अंदर वी गेट ऑल द फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक एडिटर एंड द मैक्रोज. वो टैब आप कहाँ से लेके आओगे? सो देर आर टू वेज. आई एम शोइंग यू हाउ टू डू इट फॉर विंडोज़. जिनका मैकबुक है उनके लिए मैंने अपनी स्लाइड में लिखा है. दे विल कॉपी इट डाउन एंड दे विल परफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू दैट. आई शो यू. पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग. फाइल में जाना है, फाइल में जाना है, या फिर जिनका ऑफिस बटन है. आई एम यूजिंग करेंटली एक्सेल 2010. जिनका हायर वर्जन है उनके लिए यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है, उस पर क्लिक करना है. उसके बाद हमें जाना है एक्सेल ऑप्शन या फिर ऑप्शन पे. ऐसा एक विंडो खोलेगा. यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज रिबन में. दीज आर द मेन टैब्स ओवर हियर. यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर टैब अनटिक है, इसको टिक करना है. बाय डिफॉल्ट ये अनटिक रहता है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट यूज़ दिस टैब. तो यहाँ पे उसको हमें टिक करना है एंड जस्ट ओके. तो यहाँ देखो डेवलपर टैब अपने आप यहाँ पे ओपन हो गया. फॉर दोज हु आर यूजिंग मैक करेंटली, आपके लिए क्या करना है देखो. एक्सेल प्रेफरेंसेस व्यू developer tab. So this is how you get the developer tab for those who are using Mac. Now about the developer tab which I want to show you all is, this is the basic developer tab. यहाँ पर हम कुछ कुछ अभी समझते हैं क्या क्या है, बाकी later on obviously हम लोग डिटेल में देखेंगे. विजुअल बेसिक, यहाँ से हमारा विजुअल बेसिक एडिटर खुल जाएगा जहाँ पे हम अपना कोडिंग लिखेंगे. जहाँ पे हम अपना देखो ओपन द विजुअल बेसिक एडिटर. या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट की Alt F11 पे क्लिक कर सकते हो या फिर सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यू कैन ओपन द विजुअल बेसिक एडिटर वेयर वी आर गोइंग टू डू ऑल द कोडिंग. नेक्स्ट इज द मैक्रोज. यहाँ पे यू रिकॉर्ड अ मैक्रो. यहाँ पे बेसिकली यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द मैक्रोज विच आर देयर इन माई वर्कबुक एंड ऑल द करंट ओपनड वर्कबुक. आपके अगर डेस्कटॉप पे 5-6 वर्कबुक्स ओपन है, उसमें से आप कोई भी एक वर्कबुक पे जाओ, मैक्रोज पे क्लिक करो, तो आपको सारे वो मैक्रोज मिल जाएंगे जो उन सारे वर्कबुक्स में आपने रिकॉर्ड किए हैं. ठीक है, यहाँ से हम मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं एंड दीज आर ऑल अगेन वी यूज इट लेटर ऑन इन द कोर्स. कैसे यहाँ पे हम अपना कंट्रोल कीज डालते हैं. ठीक है, आई विल शो यू. जैसे कि ये जो मैंने बोला था बटन्स, देखो ये बटन क्रिएट हो जाएगा. यहाँ से ये एक बटन क्रिएट हो गया एंड इस पर हम लोग एक कोड दे सकते हैं अपना. एंड यहाँ पे जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बटन यू कैन परफॉर्म अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क. जो मैंने बोला था यूजेस ऑफ VBA में कि कैसे हम कस्टमाइज बटन बना सकते हैं, एंड इस बटन में मैं अपना एक कोड डाल दूंगी, एक मैक्रो डाल दूंगी एंड कैसे हम इसको फिर रन करेंगे तो एक अपने आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द डेवलपर टैब. विजुअल बेसिक जो हम कैसे खोलते हैं, या तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हो विजुअल बेसिक पे या फिर ऑल्ट 11 फॉर विंडोज़ एंड फॉर दोज यूजिंग मैक इट इज़ ऑफ प्लस F11. मैक्रोज लिस्ट ऑल द अवेलेबल मैक्रोज इन ऑल द ओपन वर्कबुक्स. जो मैंने बोला यहाँ पे मैक्रोज पे क्लिक करके यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस. ऑब्वियसली अभी हमने कोई मैक्रोज क्रिएट नहीं किया है तो कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा. वेन यू क्रिएट सर्टन मैक्रोज यहाँ पे अपने आप सारा उसका नेम्स डिस्प्ले करने लग जाएगा. सो दिस इज़ हाउ द डेवलपर टैब इज़ यूज. Now simply, in the next class, we will start with the coding.